बालोदाबाद में जिला प्रशासन और पर्यावरण विभाग ने इमामी सीमेंट संयंत्र ग्राम रसीदा के विस्तारीकरण की मांग पर ग्राम ढंडनी में जनसुनवाई का आयोजन किया। यहां जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय बेरोजगारों की उपेक्षा को लेकर आक्रोश जताया, वहीं संयंत्र लगाने के लिए अपनी हामी भी भरी है। बलौदाबाजार विधायक प्रमोद शर्मा ने कंपनी को स्थानीय बेरोजगारों की उपेक्षा पर चेतावनी दी। राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने कहा है कि औद्योगिक नियमों के पालन करने पर ही अनुमति दी जाएगी। कंपनी प्रबंधक ने आश्वस्त किया है कि कंपनी पर्यावरण सहित स्थानीय बेरोजगारों को उनकी योग्यता अनुसार नौकरी में प्राथमिकता देगी। अनुमति का विरोध नहीं करना, और जब आपने माइंस का अनुमति दे दिया है तो फैक्ट्री का अनुमति देने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर लोगों का ख्याल रहे, लोगों को सुविधा मिले, यही निवेदन है। इतनी बात कहकर अपनी वाणी विराम देता हूँ। सही है, कौन ला नौकरी मिलना चाहिए, कौन ला नहीं मिलना चाहिए, ये बात करे कोई मतलब नहीं है। काबर की ये मेन बात हुआ थे पर्यावरण न लेके हुआ थे। मैं बताना चाहता हूँ, आप मतलब बहनी मतलब बताना चाहता हूँ, धर सीमा ब्लॉक में मैं तो यही विधानसभा के किरना गांव के मतदाता हूँ, लेकिन धर सीमा विधानसभा में अत्यधिक उद्योग लगे है की घर के बाउंड्री से एक हर उद्योग वन के बाउंड्री लगे है। आप लोगों ने जो ये आशीर्वाद के तौर पे हमें ये जो सेकंड प्लांट लगाने की अनुमति दी है, उसके लिए मैं आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप सभी को एक बार साधुवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। किलर उलर बना के हमारे क्षेत्र का आदमी काम नहीं कर सके, लेकिन छोटे मोटे ठेका के बात आपसे चाहे लोकल के आदमी वाला आप काम देवा, उन्होंने कुछ काम मिली, बाहरी आदमी आते पैसा खा के भाग जाते, कौन खोजा रहा है बोला। आप सबसे यही निवेदन कर रहा था, ये सब व्यवस्था बना हुए कंपनी के मैनेजमेंट से। और फिलहाल